पाकिस्तान की पचहत्तर साल तारीख में कोई भी वजीर आज़म अपनी मुकम्मल मुद्दत पूरी न कर सका कौन सा वजीर आज़म कब से कब तक रहा और उसकी मुद्दत कितनी थी पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियात अली खान 50 माह तक इस पर मौजूद रहे वो 15 अगस्त उन्नीस से 16 अक्टूबर उन्नीस तक वजारत उजमा के मनसब पर फायज रहे उन्हें 16 अक्टूबर उन्नीस को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया दूसरे वजीम ख्वाजा नाजमुद्दीन सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यावन को वजी मंतख हुए और वह सत्रह अप्रैल उन्नीस सौ तिरपन तक यानी अठारह माह वजारत उजमा के अहदे पर रहे उन्हें माजूल करके कुर्सी से हटा दिया गया था और यूं वो अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके 17 अप्रैल उन्नीस को मोहम्मद अली बोगरा को वजीर आजम बना दिया गया जो अठाईस माह यानी दो साल चार माह तक इस ओहदे पर फाइज रहे जिसके बाद उन्हें 11 अगस्त 1955 को अपने ओहदे से इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा मोहम्मद अली बोगरा के मुस्ताफी होने के बाद 11 अगस्त 1955 को चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे वजीर आजमतब हुए वो भी अपने ओहदे की मुद्दत पूरी ना कर सके और तेरह माह बाद ही 12 सितंबर 1956 को मुस्ताफी हो गए हुसैन शहीद सौरवर्ती सिर्फ तेरह माह वजीर आजम के ओहदे पर रहे वो 12 सितंबर 1956 से 18 अक्टूबर उन्नीस तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे जिसके बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया इनके बाद आई आई चंद्रीगढ़ पाकिस्तान के वजीर आजमतब हुए जो सिर्फ दो माह वजारत उजमा के अहदे पर फाइज रहे जिसके बाद वो भी मुस्ताफी हो गए थे आई आई चंद्रीगढ़ अठारह अक्टूबर उन्नीस सौ सतावन से सोलह दिसंबर उन्नीस सौ सतावन तक वजीर आजम रहे मलक फिरोज खान नून भी ज्यादा अरसा तक वजारत उजमा के अहदे पर न रह सके वो सोलह दिसंबर उन्नीस सौ को वजी आजम की कुर्सी पर बैठे लेकिन दस माह बाद सात अक्टूबर उन्नीस सौ अठावन को ही से माजूल हो गए थे जुल्फिकार अली भुट्टो को 14 अगस्त उन्नीस सौ तिहत्तर को वजी अजमतब किया गया वो तीन साल ग्यारह माह यानी सैतालीस माह तक इस पर फाइज रहे उन्हें भी पाँच जुलाई उन्नीस सौ सतहत्तर को माजूल कर दिया गया था तेईस मार्च उन्नीस को मोहम्मद अली जुनेजो पाकिस्तान के वजीर आज़मत हुए और तीन साल दो माह यानी अड़तीस माह बाद ही वजारत उजमा के अहदे से माजूल कर दिए गए और यूं वो उनतीस मई 1988 को घर भेज दिए गए दो दिसंबर 1988 को पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो कुर्सी पर बैठी तहम वो भी अपने की मुद्दत पूरी न कर सकें और बीस माह बाद ही छह अगस्त उन्नीस को माजूल कर दी गयी बेनजीर भुट्टो के माजूल होने के बाद मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ 6 नवंबर उन्नीस सौ नब्बे को वजी अजमतब हुए उन्हें भी उनतीस माह बाद अठारह अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे को माजूल कर दिया गया नवाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम बन गए और डेढ़ माह बाद ही मुस्ताफी हो गए इस बार वो 26 मई उन्नीस से 8 जुलाई उन्नीस तक वजीर आजम रहे नवाज शरीफ के बाद एक मरतबा फिर बेनज़ीर भुट्टो 19 अक्टूबर उन्नीस को वजे आजम मुंतिब होकर आयी और इस बार वो सैंतीस माह यानी तीन साल एक माह वजारत उजमा की कुर्सी आरोप फाइज रही उन्हें भी पाँच नवम्बर उन्नीस सौ छियानवे को माजूल कर दिया गया सत्रह फरवरी उन्नीस सौ सतानवे को नवाज शरीफ दूसरी बार अवमी वोटो ऐसी वजी अजमतब होकर आए लेकिन उन्हें बत्तीस माह बाद यानी दो साल आठ माह बाद ही माजूल कर दिया गया और यूँ बारह अक्टूबर उन्नीस सौ निन्यानवे को नवाज शरीफ के दूसरे दौर का अख्तितम हुआ नवाज़ शरीफ के जफरुल्लाह खान जमाली को वज़र मुंतब किया गया और वो 23 नवंबर 2002 से 26 जून 2004 तक 19 माह वजीर रहे और बिलाखिर वो भी वजारत उज्मा की मुद्दत पूरी किए बगैर मुस्ताफी हो गए मीर जफरुल्ला खान जमाली के मुस्ताफी होने के बाद वजारत उजमा की बाग दौड़ दो माह के लिए चौधरी शुजात हुसैन के पास रही उनके मुस्ताफी होने के बाद उनकी पार्टी मुस्लिम लीग काफ ने शौकत अजीज को वजारत उजमा के लिए नामजद किया वो उनतालीस माह वजारत उज्म के अहदे पर फाइज रहे वो 28 अगस्त 2004 से 15 नवंबर 2007 तक वजीर आजम रहे और उन्होंने पार्लियामेंट की बकिया मुद्दत पूरी की 25 मार्च 2008 को पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम मुंतब हुए जो चार साल एक माह यानी उनचास माह वजी आजम रहे उन्हें चौबीस अप्रैल दो हजार बारह को नहल करार देकर वजारत उजमा की कुर्सी ऐसी हटा दिया गया यूसुफ रजा गिलानी के बाद राजा परवेज अशरफ को वजी अजमत किया गया वो बाईस जून दो हजार बारह ऐसी चौबीस मार्च दो हजार तेरह तक यानी नौ माह तक वजारत उमा के मनसब आरोप फाइज रहे और यूँ पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने पर नए इंतबात कराये गए मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर मुंतब हुए उन्हें पाँच जून दो हजार तेरह को वजी अजमतब किया गया और वो भी चार साल एक माह बाद यानी माह वजारत उजमा की कुर्सी पर फाइज रहे और उन्हें अट्ठाईस जुलाई दो हजार सत्रह को ना करार दे दिया गया नवाज शरीफ की जगह शाहिद खाकान अब्बासी को अगस्त 2017 को वजी अजमत किया गया वह इकतीस मई 2018 तक यानी 10 माह वजारत उजमा के मनसब पर फाइज रहे और उन्होंने पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी की 18 अगस्त 2018 को इमरान खान वजीर आजम होकर एक नए चेहरे के साथ मैदान में उतरे जो तहाल वजारत उजमा के औहदे पर बरकरार है ताहम अब हिजब इख्तलाफ की जानेब से उनके खिलाफ तहरीक अदम इतमाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है जिसकी कार्रवाई जारी है